नमस्ते कॉमिक बुक्स के शौकीन और डेडपूल के फैंस को, मैं हूं आपका दोस्त। आज तक आप लोगों ने मेरा कुछ नाम नहीं रखा ना। क्या बुलाएंगे आप लोग मुझे? व्हाट इज योर नेम? बंटी। ये नाम ठीक है, आज से आप लोग मुझे बुला सकते हैं बंटी। तो मैं हूं आपका दोस्त बंटी। तो तैयार हो जाइए डेडपूल 3 की राइड में घूमने के लिए, क्योंकि हम आज एक थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा फैली हुई है पूरे इंटरनेट पे। कितनी ज़्यादा फैली हुई है मैं बताना चाहता हूँ, जितना शराब पिए हुए फुफ्फा फैलते हैं शादियों में उतनी फैली हुई है, जितना एक टॉपर कॉलेज और स्कूल्स में फैलता है उतनी फैली हुई है, जितना तलवे चटाई करने वाले लोग फैलते हैं उतनी फैली हुई है, जितना टाइल्स वाले फर्श पे दो बूंद पानी फैलता है उतनी फैली हुई है। आप लोग समझ सकते हैं मैं बातों में कितनी गहराई है ना। तो चलिए आ जाइए इस रोलर कोस्टर की जर्नी पे चलते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने सुनी है, मैं सब डिस्कस करा था। तो चलिए आ जाइए, चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पाइसी और एंटरटेनिंग होने वाली। दोस्तों ये कोई और नहीं बल्कि बड़ा हरा जानवर ब्रूस बैनर है, यानी कि अपना हल्क। हाँ, ये बैकग्राउंड में दिख रहा है, इसको देखना चाहते हो ना? हाँ, ये है पिंगो डोसे सोडा। इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत सारी कड़ियों को जोड़ने वाला है। यार मैंने सोचा नहीं था कि मार्वल जैसी जगह पे एक सोडा इतनी सारी थ्योरीज को जन्म दे सकता है। जी हाँ, ये वही खास पिंगो डोसे सोडा है जिसकी वजह से द इनक्रेडिबल हल्क में जो 2008 में आई थी काफ़ी लफड़े हुए थे। मतलब कि ये वही सोडे की बोतल है जिसके अंदर ब्रूस का खून गिरा था, ये वही सोडा है जिसको स्टैनली ने पिया था और बेचारे स्टैनली रेडिएशन का शिकार हो गए थे। बहुत अच्छे से आपको याद ही होगा ना द इनक्रेडिबल हल्क, अगर आपने नहीं देखी है तो तुरंत जाके देखो, मूवी तो अच्छी है। हल्क कुछ खास नहीं है, काफ़ी अनस्टेबल हल्क है। लेकिन ये सोडा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यदि आप ये प्रश्न मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझे आप पे और इस बात पे काफ़ी रोशनी डालनी पड़ेगी। तो चलिए थोड़ी रोशनी के पास चलते हैं, मतलब लाइट सोर्स के पास। तो जो स्टोरी चल रही है और जो मुझे सुनने में आई है वो यही है कि डेडपूल टाइमलाइन को साफ करने निकला है पैराडॉक्स के कहने पर। ये उसके जीवन का मकसद बन गया है यार, बहुत अच्छे से। लेकिन अच्छी बात है, अब इसके चलते उसे सबसे ज़्यादा इन्फीरियर फॉर्म्स को ख़त्म करना है, जैसे कि डेडपूल ने अपने आप की एक इन्फीरियर फॉर्म को ख़त्म किया जो उससे काफ़ी ख़राब थी, करप्टेड फॉर्म थी जो किसी लायक नहीं थी, वो केवल केओस मचाती। उसी तरीके से हल्क की भी ये फॉर्म केवल केओस मचाती है, ये किसी भी लायक नहीं है, ये कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ है। तो इसको ख़त्म करने के लिए डेडपूल को भेजा जाएगा, क्योंकि डेडपूल एंड वुल्वरीन है तो शायद वुल्वरीन भी उसके साथ जाए, शायद क्या कन्फर्म है वुल्वरीन भी उसके साथ जाएगा ही जाएगा। तो वी कैन हैव दिस वुल्वरीन वर्सेस हल्क, हल्क वर्सेस वुल्वरीन। तो यार आप लोग बस सोच के देखो, हल्क जिसका हीलिंग फैक्टर काफ़ी ज़ोरदार है वुल्वरीन जैसा, और अपना वुल्वरीन अपने एडामेंटियम क्लॉज को लेके जो लिटरली हल्क की स्किन बोन सब कुछ काट सकता है जो बाकी कोई चीज़ कर नहीं सकती, क्योंकि हल्क की स्किन इम्पेनिट्रेबल है, मतलब भेदा नहीं जा सकता, उसकी स्किन में इंजेक्शन वगैरह तलवार वगैरह जाती ही नहीं है, क्या करें। सो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? वुल्वरीन को उसको छोड़ दो, बाकी वो खुद कर लेगा। तो ये उतनी सारी थ्योरीज में से एक थ्योरी है। Don't just stand there, you ape. Give me a hand up. No, I'm actually okay. Thank you very much. तो मुझे लगता है कि ये थ्योरी सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट हो सकती है, क्योंकि डेडपूल जब लेटा हुआ यहाँ पे और उसके बगल में हमें दिखती है साफ साफ पिंगो डोसे सोडा की बोतल, वुल्वरीन भी उस पर गुस्सा है, तो क्यों गुस्सा है?
लेकिन मेन बात है कि ये पिंको डोसे सोडा इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता, वो एग्जिस्ट करता है एडवर्ड नॉर्टन वाले हल्के यूनिवर्स में। सो हमको फोकस ये करना चाहिए कि हमको क्या देखने को मिलने वाला है। इसकी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि हमको वुल्वरीन वर्सेस हल्क देखने को मिले और काफ़ी अच्छे फॉर्म में, मतलब अच्छे से झगड़ा होगा, मार कुटाई होगी, मुँह फूटेगा, सर फूटेगा और शायद हल्क मारा भी जाए, या फिर यहाँ से द इमोर्टल हल्क भी शुरू कर सकते हैं तो। और मार्केट में एक और थ्योरी भी घूम रही है जिसके बारे में मैं बात तो करना चाहता हूँ, लेकिन अगर अभी मैं सारी बातें कर दूंगा तो दूसरा वीडियो आप लोग क्यों ही देखेंगे, इसलिए इसको बचा के रखते हैं अगली वीडियो के लिए, ठीक है। लेकिन अगली वीडियो का टॉपिक ये होने वाला है कि मैं बात करने वाला हूँ किसके बारे में, मार्वल के पैच के बारे में। अब पैच मतलब ये निक फ्यूरी की आँख वाला पैच नहीं, पैच एक अलग सा कैरेक्टर है जो मोस्ट प्रोबेबली अपने MCU का वुल्वरीन है, क्योंकि वो बहुत पॉलिटिकल है और अपने MCU में सब कुछ पॉलिटिकल ही होता है, हर एक चीज़ पॉलिटिक्स से जुड़ी है। तो अगली वीडियो का वेट कीजिए, कुछ ही दिन में आ जाएगी, तब तक सब्सक्राइब कर दो, कुछ नहीं जाएगा तुम्हारा, ठीक है। जय हिंद।